oldies, brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love, like the peace and gloves. Now you got a deal right now. Hey guys, welcome back to another vlog. This is Rahul and you're watching Bike Mania. आज हम लोग आए हैं रॉयल ब्रदर्स रॉयल टायर्स आए हैं. अपने डोमिनार का फ्रंट टायर अपन को चेंज करना है. अभी स्टॉक टायर लगा हुआ है. बैक में मैंने कुछ टाइम पहले अपोलो अल्फा H1 डाला था. तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं जो नया अपोलो अल्फा का ट्रैम्पलर सीरीज जो आया है. ये देख सकते हो कलेक्शन आप यहाँ पे. अच्छा खासा टू व्हीलर फोर व्हीलर सारे उसका कलेक्शन मिल जाएगा आपको. और अपोलो अल्फा ऐसा नहीं है सिर्फ अपोलो के ही है. यहाँ पे देख सकते हो रालको वगैरह सीएट टायर्स सब कुछ मिल जाएगा. सो ये देख सकते हो ये है एकदम न्यू ब्रांड न्यू जो अभी लॉन्च हुआ है अल्फा ट्रैम्पलर. इसमें आपको दो आता है XR और ST. ये XR है भैया है ना? नहीं XR रेडियल. XR रेडियल है. ST में रेडियल नहीं आता ना? XR में XT में नहीं आता रेडियल. ST में नहीं आता है. ठीक है. तो सिंस अपना अल्फा अपोलो अल्फा H1 जो बैक साइड में लगा है वो भी स्टील रेडियल है. सो आई थॉट कि बेटर है अपन आगे है वो भी अपन स्टील रेडियल वाला ही लगवाते हैं XR. इतना ऑफ रोडिंग नहीं होता है बट ये जो न्यू सीरीज है ये ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों के लिए बना हुआ है. तो ट्राई करते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है. आपको यूज करके रिव्यू करके 5 ईयर्स वारंटी है इसमें और बहुत ही बढ़िया चीप रेट भैया लगा देंगे. कॉन्टेक्ट डिटेल्स नीचे डाल दूंगा मैं. प्राइस स्पेशल प्राइस है जो आपको बहुत ही बढ़िया मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा. भैया को फोन करके आप ले सकते हो. तो ये आ गया है टायर अपने पास. आपको इसकी पास से मैं डिजाइन दिखाता हूँ और बताता हूँ कि टायर में क्या खास है. तो ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं ये जो ब्लॉक पैटर्न है इससे आपको कॉर्नरिंग में बहुत ही बढ़िया ग्रिप मिलेगी. सो सेंटर में जो ब्लॉक है वो स्कैटर्ड पैटर्न में है जिससे आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है. अब यहाँ पे डब्ल्यू शेप ग्रूव डिजाइन दिया हुआ है जिससे आपका एक्सेस वाटर एंड मड एक्सकवेट करने में आपको हेल्प मिलती है एंड गाड़ी इजिली आपकी स्किड नहीं होती है. और यहाँ पे ऑटो आई थिंक स्टोन रिपेलेंट है. इसमें स्टोन वगैरह फंसता नहीं है ऑटोमेटिक बाहर निकल जाता है. तो इसलिए ऑन रोड और ऑफ रोड सबके लिए अच्छा है. स्टील रेडियल है जैसे यहाँ पे देख सकते हो. साइज आपका फ्रंट टायर डोमिनार के लिए अगर देखें तो 110/70R17 है. XR सीरीज 2 ईयर्स अनकंडीशनल वारंटी आती है प्लस ओवरऑल 5 ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग वारंटी. इसका डेट तो अपन को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुआ है. फिर भी देख लेते हैं अपन. ओके इसको थोड़ा ऐसे रख देते अपन. तो ये है यहाँ पे डेट इसका 37th week 2022. जैसे कि बताया ये एनीवेज रिसेंटली लॉन्च हुआ था इसमें डेट देखने की जरूरत ही नहीं. और ये देख सकते हैं यहाँ पे एक कवर आएगा. ओ ये आपको मिलेगा एज अ क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा. इसको ओपन करते हैं अभी बिलिंग के बाद में फिर दिखाते हैं क्या है. एक और चीज़ ये जो है ये इंडिकेटर्स है इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका टायर घिस गया और आपको चेंज कब करना है. तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ दी हुई इन्होंने अपोलो ने. साइड से भी देखिए बढ़िया यूनिक सी डिजाइन है इसके. तो अपन ने देख लिया टायर की डिजाइन वगैरह. शॉप आपको मैंने बता दी है रॉयल टायर्स जेसी रोड जहाँ पर बहुत ही बढ़िया चीप रेट में आपको टायर और बढ़िया क्वालिटी वारंटी के साथ में मिलेगा. आइए अब इसकी बिलिंग वगैरह करके अपन फिटिंग करवाते हैं. रॉयल टायर्स कुमकुम राय अर्चना काम जेसी रोड बेंगलोर. डिलीवरी चेक कर लो हमेशा फोन करके क्योंकि स्टॉक आता रहता है जाता रहता है.
तो इतनी दूर आके परेशान हो गए, इसलिए चेक कर लो पहले फोन करके अवेलेबल है आके, और फिर रेट की बात करो तो बेटर है ना। है आपके पास लगा दोगे? लोकल नंबर प्राइस बताओ दोनों का। लोकल 200 का है। डाल दो अच्छा वाला डाल दो। वॉल में एक्चुअली यहाँ से क्रैक आ गया है तो ओपन लगा रहे हैं नया वाला। थोड़ा वॉल दिखा दो एक बार, कौन सा उसका है? ये सीएट का है ये। वन ट्वेंटी ये है अपना एग्जिस्टिंग टायर। इसकी हालत देख रहे हो, पूरा घिस गया है। इसकी थ्रेड्स ऑलमोस्ट गायब हो गए। देखोगे तो बहुत डिले हो गया एक्चुअली, एक दो महीने तक पेंडिंग था काम। बट ये स्टॉप टायर भी अच्छा चला अपना MRF का। ये प्रॉब्लम आती है जब आपके पास मेन स्टैंड नहीं है। जब बैक साइड का टायर मैंने चेंज कराया था, सेम यही प्रॉब्लम आती है। उस टाइम मैंने सोचा था कि मेन स्टैंड लगवाऊंगा, लेकिन अभी तक अपना मेन स्टैंड पेंडिंग है। तो ये आ चुके हैं अपन घर। सोचा कि बाकी के इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे घर पे आके करते आराम से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था और जगह भी थोड़ी कम थी वहाँ पे। तो सोचा क्यों ना प्राइसिंग के बारे में, कि टायर की प्राइसिंग और फिटिंग में अपन को ओवरऑल कितना लगा है, प्लस इसके साथ में ये जो बैग है आपको ये भी दिखा देते हैं। तो पहले बैग से चालू करते हैं और फिर बताते हैं आपको प्राइसिंग। सो टॉप पे आप देख सकते हो अपोलो टायर्स ट्रैम्पलर XR की ब्रांडिंग है और यहाँ पे लद्दाख की थीम बनी हुई है। तो इसका जो मटेरियल है थिक कॉटन कैनवास फैब्रिक है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। बैक साइड से अगर देखें तो यहाँ पे वेलक्रो दिया हुआ है, इसको ओपन करके आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट कर सकते हैं। तो आपने देखा कितनी प्यारी थी कॉम्पैक्ट सी डिज़ाइन और साइज़ है इसका। इसको आप साइज़ देखते हुए इसमें आप वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो, इसमें अपने छोटे मोटे गियर्स या गैजेट्स रख सकते हो और साथ ही में एज अ टूल किट भी यूज़ कर सकते हो। सो चलिए अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, ये टायर मुझे कितने में पड़ा है। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि मैंने कई डीलरशिप जो अपोलो के ऑथराइज डीलरशिप है प्लस दूसरी टायर डीलरशिप है, फ़ोन करके सबसे पहले उनका स्टॉक का पता किया कि ये स्टॉक है कि नहीं है, क्योंकि जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है, कई जगह पर अभी इसका स्टॉक नहीं है। कुछ डीलरशिप वगैरह कुछ जगह पर उनको पता भी नहीं है कि ये नया ट्रैम्पलर सीरीज करके कुछ लॉन्च हुआ है। तो सबसे पहले स्टॉक हमने चेक किया, उसके बाद उसकी प्राइसिंग ली। मैक्सिमम जगह जो मुझे प्राइसिंग मिली थी 5200 से 5400 की रेंज में, कहीं पे फिटिंग इंक्लूडेड थी टायर की, कहीं पे एडिशनल चार्जेस था, बट ले देके 5200 से 5400 वाज द प्राइस रेंज। सो आई डिसाइडेड टू गो टू JC रोड एंड चेक द प्राइस एट मल्टीपल डीलरशिप ओवर देयर, और वहां पे हमें मिला रॉयल टायर्स की शॉप, जहां पे
मुझे 5000 से कम में टायर प्लस फिटिंग मिल गई। फिटिंग कहीं और कर रही थी, उसका एडिशनल चार्जेस था, बट स्टिल ऑल इंक्लूसिव फिटिंग प्लस टायर 5000 के नीचे ही पड़ा। सो भैया ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज ये जो प्राइस है ये एक्सक्लूसिव है और इसको वीडियो में मत मेंशन करिएगा। सो बट उन्होंने एक चीज अच्छी बोली है कि अगर कोई आपका वीडियो देख के आ रहा है, बोलेगा कि बाइक मैंने का रेफरेंस अगर दे रहा है तो उसको ये एक्सक्लूसिव प्राइस जरूर दी जाएगी। अगर आपको पता करना है कि एक्सक्लूसिव प्राइस क्या है, यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, इट इज bikemania.motographer एंड आई टेल यू कि कितना एग्जैक्ट प्राइस है। यू कैन गो एंड आस्क फॉर द सेम प्राइस एंड डेफिनेटली यू विल नॉट रिग्रेट, इट्स अ रियली कॉम्पिटिटिव एंड अ गुड प्राइस। बात करते हैं इसकी रिव्यू और फीडबैक की, तो आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम बिकॉज इट वॉज हार्डली 20-25 किलोमीटर्स एंड यू नो कि जब नया टायर लगता है इसको सेट होने में, सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। आई प्लान अ राइड सून बट आई एम नॉट श्योर कि वो राइड कब होगी। जैसे ही होगी आई डेफिनेटली गिव यू अ डिटेल रिव्यू एंड अ फीडबैक ऑन माई एक्सपीरियंस विद अपोलो अल्फा ट्रैम्प्लस सीरीज। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी टाइप के मजेदार व्लॉग्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो जल्दी मिलेंगे एक नया व्लॉग में, जब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, घूमो फिरो, ऐश करो। Let's go on.